हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम पल्लवी एंड एंड दिस चैनल वी टॉक एवरीथिंग अबाउट फैशन एंड यहाँ पर हम स्टिचिंग वीडियोज़ भी करते हैं इसलिए टुडे आई शो यू हाउ टू स्टिच अ मास्क एंड ये मास्क मैंने लिटरली बहुत ही स्क्रैप फैब्रिक से बनाया है ये एक टी शर्ट का स्लीव है जो मैंने चार साल पहले मे बी डी आई वाई किया होगा मैंने टी शर्ट का टैंक टॉप बनाया था एंड ये एक मेन्स टी शर्ट था मेरे भाई का टी शर्ट था उसको मैंने काट के अपने लिए टैंक टॉप बनाया था सो या दिस इज दी स्क्रैप एंड उससे मैंने ये मास्क बनाया है ये एक स्लीवर ये दूसरा स्लीव था जिसका मैंने मास्क बनाया तो आप इस टाइप से किसी भी फैब्रिक का यूज़ करके मास्क बना सकते हो इट्स नॉट दैट हार्ड आपको थोड़े बहुत मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे लाइक फ्रॉम हीयर टू हीयर ताकि बहुत ज़्यादा बल्कि ना हो जाए वैसे तो ये टी शर्ट स्लीव था तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उतने वाइड होते नहीं है टी शर्ट के स्लीव्स एंड uh, या अगर आप कोई बहुत बड़े साइज़ का टी शर्ट यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके स्लीव्स वाइड होंगे बट इसके नहीं थे तो मैंने बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स नहीं लिए हैं लेकिन अगर आपको एकदम प्रॉपर किसी और फैब्रिक से अगर आप बना रहे हो प्रॉपर मास्क चाहिए ज़्यादा ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत ना पड़े जिस पर तो यू शुड टेक मेजरमेंट्स आपको मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक के लाइक फ्रॉम योर टू योर देन टेक योर मेजरमेंट्स फ्रॉम योर टू हेयर एंड ये सारे मेजरमेंट्स लेने के बाद यू कैन स्टिच योर मास्क एंड जो मैंने इसमें डार्ट बनाया जो आगे आप वीडियो में देखोगे दिस वन uh, ये जो डार्ट मैंने बनाया है इसको मैंने इनिशियली वन इंच लिया था बट देन आई रियलाइज कि थोड़ा सा और लगेगा देन आई स्टिच इट अगेन अगर आपको लग रहा है कि मतलब ये बहुत कोई हार्ड कोर साइंस रूल नहीं है स्टिचिंग का आप इसे हैंड स्टिच भी कर सकते हो मैंने मशीन स्टिच किया है आप हैंड स्टिच भी कर सकते हो एंड आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी कर सकते हो आप पहन के देखो आपको और लग रहा है आप और फोल्ड कर दो आपको और ढीला और आप और फोल्ड कर दो एंड ये जो मास्क है मैंने इसमें इलास्टिक कहीं भी यूज़ नहीं किया है तो आप इसे गर्म पानी से बहुत अच्छे से थरली धो सकते हो ताकि जर्म्स इस पर ना रहें एंड ये जो टाइप्स हैं इसको भी मैंने टी शर्ट के फैब्रिक से ही बनाया है ये है मेरा टी शर्ट का स्लीव ये यहाँ से मैंने मास्क बनाया है और यहाँ से मैंने इसके टाइप्स बनाए हैं लाइक टू होल्ड इट ऑन ईयर के लिए सो so, लाइक like, वो बांधने वाला थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना ऑब्वियसली वो टी शर्ट के uh, स्लीव में से तो नहीं निकलता तो मुझे एट दी एंड सिर्फ टी शर्ट का स्लीव यूज़ करना था तो मैंने वो पार्ट यूज़ करके ये बनाया है एंड लिटरली इट वर्क्स ऐसा नहीं है कि ये स्लिप हो जाता है या ढीला हो जाता है बट फॉर दिस ऑल्सो यू नीड टू मेजर की Uh, कितना लगेगा ताकि आप इसे ज़्यादा ना कर दो अगर आप इसे कॉटन फैब्रिक में या किसी और फैब्रिक में बनाना चाहते हो जो कि स्ट्रेची नहीं है टी शर्ट फैब्रिक थोड़े से स्ट्रेचेबल होते हैं तो देल एडजस्ट बट अगर आपका फैब्रिक स्ट्रेचेबल नहीं है तो मेक श्योर sure कि आप एक प्रॉपर मेजरमेंट लेके उसे स्टिच करें सो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मास्क एंड नाउ लेट स्टार्ट स्टिचिंग तो फर्स्ट आप अपनी स्लीव को ऐसे किसी लाइक like, जगह पे स्ट्रेट रख लीजिए एंड उसे अच्छे से सरिया लीजिए लाइक like, अच्छे से उसे स्ट्रेट कर लीजिए एंड उसके बाद आप उसकी कटिंग कर सकते हो मेरे में लाइक ऑलरेडी डिविजन पार्ट था क्योंकि ये स्लीव दो फैब्रिक से बना हुआ है तो मैंने लाइक uh, like, जो स्टिचिंग वाला पार्ट है वो मैंने अपने मास्क के साइड के लिए ही रखा है ताकि जब मैं उसकी हेमिंग करूं तो मुझे डबल फोल्ड ना करना पड़े वो सिंगल फ़ोल्ड से उसका काम हो जाएगा एंड एज आप देख सकते हो एक साइड से तो टी शर्ट की स्लीव की ही हेमिंग है और दूसरे साइड से भी मैंने जो मैंने कट किया था टी शर्ट से वाला पार्ट भी उसका भी स्टिचिंग पार्ट मेरे मास्क साइड ही है तो मुझे सिर्फ एक सिंगल फोल्ड करके उसको स्टिच करना पड़ेगा जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो एंड मैंने इसे स्टिच कर दिया डार्ट्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप सीधे साइड से अंदर अंदर सीधे साइड को अंदर करके उल्टे साइड से फोल्ड करो मिडिल पोर्शन मार्क करो एंड वहाँ से वन इंच पे ट्रायंगल बना दो एंड उसे वहाँ से स्टिच कर लो एंड पहले मैंने वन इंच का बनाया था बट वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज़ आया तो मैंने फिर वन एंड हाफ़ इंच का बनाया लाइक like मैंने हाफ इंच और इंक्रीज़ किया तो आप उस हिसाब से मेजर करके देख सकते हो एंड एज़ टी शर्ट का फैब्रिक खराब हो जाता है नॉर्मल नीडल यूज़ करने से मेरे पास टी शर्ट का नीडल नहीं था तो मैंने यहाँ पेपर यूज़ करके उसे स्टिच किया है सो so, अगर आपके पास भी नहीं है एंड आपको हैंड स्टिचिंग नहीं करना है आपको मशीन स्टिचिंग करना है आपके पास नीडल अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे टाइप से ऐसे पेपर लगा के कर सकते हो उसके बाद मैंने टाइप्स के लिए दूसरे वाला लाइक जो दूसरा फैब्रिक था मेरे स्लीव का उसे कट कर लिया है एंड उसे स्ट्रेच कर लिया है स्ट्रेच करने से इसे भी हेमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड हम इसे मास्क के उल्टे साइड में चारो लाइक जो चारो कॉर्नर है वहां पे स्टिच कर देंगे एंड आपका मास्क रेडी हो गया है तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा एंड आपको हेल्प मिली होगी आपको आइडियाज़ मिले होंगे कि आप कैसे स्क्रैप फैब्रिक से मास्क बना सकते हो तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला तो प्लीज़ ड कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो कॉमेंट डॉन बिलो कि आपको कैसा लगा एंड अनटिल नेक्स्ट टाइम हैप्पी स्टाइलिंग